तो एक्चुअल में अगर आप 1 kg गोल्ड खरीदने चाहते हो तो 72 लाख रुपीस का वो प्रोडक्ट होता है, बट मेरे भाई अगर शेयर मार्केट में खरीदने चाहते हो तो केवल 7 लाख रुपीस में आप उसके मालिक बन जाते हो। और 7 लाख रुपीस में मालिक बनने का मतलब होगा कि जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट आएगा ना वो 72 लाख के हिसाब से आएगा, तो इस बात को भी ध्यान रखना। तो दोस्तों आज शुरू करते हैं हम एक नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे कमोडिटी मार्केट के बारे में। कमोडिटी मार्केट क्या होती है जरा उसको समझ लेते हैं। वो प्रोडक्ट जो नेचुरल वे में आपको लाइक रिसीव होता है, उन प्रोडक्ट्स की बात की जाए। अब आप कहेंगे वो कौन कौन से प्रोडक्ट है। देखो प्रोडक्ट बहुत सारे काउंट होते हैं, बट ट्रेडिंग करने के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रेडिंग के लिए यूज किए जाते हैं वो टोटल 4 होते हैं। फर्स्ट होता है नेचुरल गैस, सेकंड होता है क्रूड ऑयल, थर्ड होता है गोल्ड, एंड देन उसके बाद में आप कह सकते हो सिल्वर। इन 4 के अंदर अगर आप वर्क करना समझ जाते हो देन डेफिनेटली आप बहुत इजी वे में यहाँ पे काम कर सकते हो। किसके अंदर? कमोडिटी मार्केट के अंदर। जैसे कि आप लोग जानते हो कि इंडियन मार्केट में 3 मार्केट हुआ करती है। फर्स्ट मार्केट हो जाती है जिसमें आपको इक्विटी एंड उनके फ्यूचर्स के अंदर काम करने के लिए दिया जाता है। सेकंड हो जाता है जो करेंसी सेगमेंट की बातें की जाती है जिसमें केवल 7 पेयर्स अलाउ किए जाते हैं। थर्ड आ जाता है कमोडिटी मार्केट, और कमोडिटी मार्केट में वो प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं जो नेचुरल वे में रिसीव किए जाते हैं। और एक बात और ध्यान रखो, जिस तरीके से इक्विटी मार्केट में क्या होता है, स्टॉक्स होते हैं, एंड स्टॉक्स क्या करते हैं, स्टॉक्स बेसिकली एक पर्टिकुलर कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही करेंसी मार्केट की बात करें तो एक पर्टिकुलर करेंसी को रिप्रेजेंट करती है करेंसी मार्केट। बट अगर मैं कमोडिटी मार्केट की बात करूं तो यहां पर ध्यान रखने की बात है कि ये इंटरनेशनल लेवल पर किस तरीके से ट्रेड की जानी है, लाइक गोल्ड के अंदर कैसे ट्रेड करनी है, सिल्वर के अंदर कैसे ट्रेड करनी है, या फिर नेचुरल गैस के अंदर कैसे ट्रेड करनी है। ये सारी बातें आपको अगर करनी है तो सबसे पहले इंडियन मार्केट में आप अपने अकाउंट में काम कीजिए, और इंटरनेशनल लेवल पर आप न्यूज को एनालाइज कीजिए, इंटरनेशनल लेवल पर पैटर्न्स को एनालाइज कीजिए, और वहां के बेस पर आप इंडियन मार्केट में वर्क कर सकते हो। अब आप में से काफी सारे लोगों को ना क्वेश्चन थे कि हम इंडिया में रहते हुए किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो कमोडिटी मार्केट इंडिया में 100% लीगल है, आप वहां पे काम कर सकते हो। और वहां पे काम करने का सबसे बेस्ट तरीका जो काउंट होगा वो रहेगा कि आप इंटरनेशनल मार्केट को फॉलो करो और इंडियन मार्केट में उन रूल्स को इंप्लीमेंट करो। क्योंकि गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड कभी भी आपको वापस 50,000 या 40,000 नहीं दिखाई देगा। सिंपल बात आ जाती है। इसका एग्जांपल मैंने एक जगह पे देखा भी था। क्या एग्जांपल था? एग्जांपल ये है कि आप एक चीज सोचिए, मान लीजिए मेरे पास में लाइक 1 किलो गोल्ड है जो कि अभी नहीं है, ठीक है, 1 किलो गोल्ड है। तो उस 1 किलो गोल्ड को लेकर मैं बैंक के पास जाता हूँ, बैंक को कहता हूँ मालिक एक काम करो, 1 किलो गोल्ड की वैल्यू चल रही है 72,000 72,000 के हिसाब से, तो 72 लाख रुपीस का 1 kg गोल्ड होता है। मैंने बोला कि आप ना एक काम करो, मेरा गोल्ड रख लो एंड मुझको ना आप 72 लाख रुपीस दे दो। पहली बात तो वो 72 लाख नहीं देंगे, उसमें से वो 15-20% को कट करेंगे, एंड देन जो बचा पैसा होगा उतने पैसे को आपको वो लोन के रूप में देने वाला है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों किया गया? बिकॉज बैंक्स जो होते हैं या फिर कह सकते हो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या जानते हैं? कि गोल्ड की वैल्यू 10-15% से ज्यादा एक बारी में नहीं गिरती, और गिरती भी है अगर तो उस कंडीशन में जो बड़े प्लेयर्स बैठे होते हैं ना वो लोग उसको खरीदने के लिए ऑलरेडी बहुत बड़ा अमाउंट लेके बैठे होते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, गोल्ड के अंदर काम करने वाला हर वो इंसान ये बात जानता है कि गोल्ड 10-15% हाईएस्ट डाउनफॉल ले सकता है, वो भी किसी पर्टिकुलर कंडीशन में जब कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो इंटरनेशनल लेवल पर। कोविड कंडीशन टाइम जैसी में भी जब कोई भी चीजें नहीं चल रही थी तब भी आप देखोगे तो गोल्ड की कंडीशन जो गिरी ना 10-15% से ज्यादा वो नीचे नहीं गिरा। और ये बातें ऑलरेडी प्रीडिफाइंड हो चुकी है कि गोल्ड एक स्टेबल मार्केट में काम करने के लिए प्रोडक्ट निकल कर आता है। आप देखोगे हर घर में लाइक लेडीज होती हैं, आजकल तो जेंट्स को भी शौक चढ़ चुका है, उसको गोल्ड चाहिए। आप एक चीज नोटिस करो कि आप अगर गोल्ड खरीदना चाहते हो तो आपको डायरेक्टली 10 ग्राम गोल्ड के लिए 72,000 रुपीज की पेमेंट करनी पड़ रही है। बट अगर मैं आपको बोलूं कि 10 ग्राम गोल्ड जो आपका 72,000 का आपको 72,000 के हिसाब से चल रहा है, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको 100 ग्राम का प्रोडक्ट चाहिए तो आपको वो प्रोडक्ट बेसिकली 7 लाख प्लस का पड़ने वाला है। बट अगर मैं आपको चीज बोलूं कि आप उसी प्रोडक्ट को, अगर आपका मेन मोटिव है उस प्रोडक्ट से पैसा कमाना, देखो मेनली मोटिव हो सकता है कि किसी को ज्वेलरी के रूप में उसको यूज करना है, लाइक सजने संवरने के लिए करना है, देन पॉइंट अलग हो सकता है। बट अगर मैं बात करूं, अगर आप पैसा कमाना चाहते हो, पैसा कमाने के लिए आप गोल्ड को यूज करना चाहते हो, देन डेफिनेटली गोल्ड भी एक बेटर प्रोडक्ट काउंट हो सकता है। आप कैसे इसको आइडेंटिफाई करोगे? आप इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड का क्या प्राइस चल रहा है उस प्राइस के हिसाब से आप इंडियन मार्केट के प्राइस को देखोगे तो आपको यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी। गोल्ड के अंदर आज भी आपको एक बहुत बड़ा लीवरेज मिल जाता है। अगर आप
100 ग्राम गोल्ड खरीदना चाहते हो तो आपको अगर बाहर खरीदने जाओगे तो 7 लाख रुपीज प्लस का पड़ने वाला है। बट अगर मैं आपको बोलूं कि शेयर मार्केट में 100 ग्राम गोल्ड आप ओनली लाइक 70,000 में खरीद सकते हो और उसके मालिक बन के चल सकते हो तो ये कितना इजी काउंट हो जाता है। अब आप कहेंगे कि इससे ज्यादा खरीदना चाहूं तो आप वहां पे एक लाइक 100 ग्राम भी खरीद सकते हो, आप 200 ग्राम भी खरीद सकते हो, आप आधा किलो भी खरीद सकते हो, आप 1 किलो भी खरीद सकते हो। 1 kg गोल्ड की वैल्यू अगर मैं बाहर खरीदने जाता हूं तो मुझे 72 से 73 लाख रुपीस अप्रोक्स 73 लाख रुपीस पड़ने वाली है। बट अगर मैं वही गोल्ड इंडियन मार्केट में शेयर मार्केट में जाकर खरीदना चाहता हूं देन उस कंडीशन में वही गोल्ड मुझको केवल 7 लाख रुपीज का पड़ने वाला है। तो ये बात होती है जब हम शेयर मार्केट में काम करते हैं और नॉर्मल मार्केट में काम करते हैं। नॉर्मल मार्केट में अगर आप खरीदने जाओगे पहली बात तो आप पे नजरें रखी जाएगी, मालिक आप गोल्ड खरीद रहे हो, कहां से आया पैसा। चलो जी बहुत अच्छा, आपने खरीद लिया, अब उस गोल्ड को सेफ एंड सिक्योर रखना आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। कोई भी आपको दिखाकर वो छीन भी सकता है, ये बात ध्यान रखना। बट अगर डीमेट अकाउंट में आप काम कर रहे हो तो आपके लैपटॉप की स्क्रीन पर आपको अपना प्रॉफिट लॉस दिखता रहता है और उसी हिसाब से आपको प्रॉफिट बनता है। अब काफी सारे लोग कहेंगे कि गोल्ड के अंदर ना काफी ज्यादा ना मूवमेंट ज्यादा होती है। मैं आपको बता देना चाहता हूं मूवमेंट की बातें जो लोग कर रहे हैं ना, मूवमेंट हर चीज में काउंट होती है। निफ्टी बैंक निफ्टी में आपको कम लगता है क्या मूवमेंट, आप खुद सोच के देखो। अगर आपको गोल्ड में पैनिक कंडीशन आ रही है देन आप क्या कर सकते हो, क्वांटिटी को मैनेज कर सकते हो। पैनिक आने का मेन प्रॉब्लम आता है जब मेरी क्वांटिटी मेरी क्षमता से ज्यादा काउंट होती है। अगर आप 1 लाख रुपए तक का प्रॉफिट लॉस देखने की क्षमता रखते हो और आप उससे ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हो देन डेफिनेटली आपको वहां पे प्रॉब्लम निकल के आएगी। बट अगर आप अपनी क्षमता से कम में काम कर रहे हो कि यार मुझे 1 लाख तक लॉस देख सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं अभी ऐसा करता हूं ऐसी ट्रेड लूंगा जिसके अंदर मुझे मैक्सिमम 30-40 हजार तक का लॉस देखने के लिए मिले और इतना मुझे प्रॉफिट मिल जाए, मैं चुपचाप वहां पर निकल जाऊं। तो ये चीजें की जा सकती हैं अगर हम बात करें शेयर मार्केट की। ये तो बात हो गई गोल्ड की। देन बात करते हैं क्रूड ऑयल के बारे में बात करें तो क्रूड ऑयल के अंदर भी यही सिस्टम है कि क्रूड ऑयल हमारे देश के इकोसिस्टम से लाइक कह सकते हो हमारे देश की गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड नहीं किया जाता। इंटरनेशनल लेवल पर उसका क्या प्राइस है वो डिसाइड करता है कि गोल्ड का प्लस सिल्वर का प्लस क्रूड ऑयल का प्लस नेचुरल गैस का क्या प्राइस रहने वाला है। तो मैं जानबूझकर ऐसी चीजों में काम करना ज्यादा प्रेफर करूंगा जिसका प्राइस हमारी गवर्नमेंट या हमारे देश की कोई भी लाइक संस्था उसको मैनेज ना कर पाए। तो भाई ये सबसे इजी प्रोसेस काउंट निकल कर आता है अगर आप गोल्ड के अंदर काम करते हो। 10-15% की डाउनफॉल से ज्यादा आज तक गोल्ड के अंदर डाउनफॉल आप नहीं देखोगे। अभी भी इस बात को ध्यान रखिएगा, अभी अगर 72,000 चल रहा है तो 68,000 मैक्सिमम उसकी रेंज है कि वो वहां तक गिर सकता है। तो उस कंडीशन में हमें उस चीज के लिए तैयार रहना है कि उस पर्टिकुलर टाइम पर हमारे बैंक अकाउंट में कैश फ्लो होना चाहिए ताकि हम उस पैसे को वहां पर लगा पाए। इस चीज को दिमाग में रखते हुए अगर आप काम करते हो तो बेसिकली गोल्ड के अंदर काम करने में कोई भी प्रॉब्लम निकल के नहीं आती। अब मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि डायरेक्टली गोल्ड में काम करने उतर जाओ, पहले गोल्ड के बेसिक समझ लीजिए। गोल्ड ग्रो क्यों करता है, गोल्ड की डिमांड क्यों इतनी ज्यादा होती है, गोल्ड अचानक से कहीं से मिल क्यों नहीं जाता, कोई ऐसी जगह नहीं है कि गोल्ड के भंडार हमें मिल जाए और जितनी ज्यादा चीज अवेलेबल हो जाएगी देन उसके बाद में क्या होगा, उसका प्राइस नीचे कितना चालू हो जाता है। क्या कभी ऐसा होगा कि गोल्ड की वैल्यू आपको अगेन 40-50,000 दिखाई दे, आंसर निकल के आता है मेरे भाई बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला। सो ये बात ध्यान रखिएगा, जो भी हैजिंग या फिर कह सकते हो अपने पैसे को ग्रो करने की बातें करते हैं ना, वो गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की बातें इसलिए करता है बिकॉज दे नो कि 15% एक रेंज होती है कि इस रेंज से ज्यादा नहीं गिर सकता है। रीजन उसके पीछे अगर वहां तक वो गिरना चालू कर देता है तो हमारे देश की जो गवर्नमेंट होती है वही गवर्नमेंट वापस अपना पैसा इसमें लगाना चालू कर देती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, काफी सारी गवर्नमेंट जो होती है ना, इस चीज को मैंने पहले ही बताया आपको कि गवर्नमेंट पैसा लगाने के लिए एकदम तैयार बैठी होती है। वो चाहते हैं कि गोल्ड के अंदर कोई ऐसी मूवमेंट काउंट हो, कोई भी अनएक्सपेक्टेड रीजन से भी काउंट हो या फिर कोई ऐसा रीजन जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था और वहां पे हमें पता था ऑलरेडी, तब भी गवर्नमेंट वहां पे काम करने के लिए एकदम तैयार हो जाती है। तो आपको बात ध्यान रखने की गवर्नमेंट एक लिमिट से ज्यादा गोल्ड को गिरने नहीं दे सकती क्योंकि उनके पास भी गोल्ड के काफी सारे रिजर्व होते हैं जिसके कारण ही वो लोग अपना पैसा लाइक अपनी करेंसी को छाप पाता है। इस बात को दिमाग में बिठा के रखिएगा। तो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि भाई गोल्ड में मुझे कैसे काम कर सकता हूं, क्या मैं 100 ग्राम गोल्ड में काम कर सकता हूं, तो मेरी तरफ से मैं बताना चाहूंगा आप गोल्ड मिनी में काम कर सकते हो, ठीक है। उसमें 1 लॉट में काम कर सकते हो, 1 लॉट आता है 67,000 रुपीस का और अगर वहां पे 1,000 पॉइंट की मूवमेंट आप कैच कर लेते हो देन डेफिनेटली आपको 10,000 का प्रॉफिट देखने के लिए मिलता है। इसी तरीके से सेम मूवमेंट के ऊपर आप चाहो तो 200 ग्राम ले सकते हो, 300 ग्राम ले सकते हो, डिपेंड करता है कि आपकी क्षमता क्या है। देखो आपका फंड अगर मान लीजिए 2-3 लाख का है तो आपको मैं एडवाइस दूंगा कि आप गोल्ड मिनी में भी ना जाकर आप गोल्ड पीटल में काम कीजिए। गोल्ड पीटल आपके लिए इजी इसलिए रहेगा क्योंकि वही सेम मूवमेंट के अंदर वहां पर आपको
कम प्रॉफिट लॉस देखने के लिए मिलेगा, बट मेन चीज है सेफ्टीज ज्यादा काउंट होगी। और किसी के पास फंड ज्यादा है, मान लीजिए कोई 1 crore का फंड लेके बैठा है, अब उसको अगर मैं गोल्ड पीटल में काम करने के लिए बोलूंगा तो थोड़ा सा मजाक हो जाएगा उसके साथ में। तो वो क्या कर सकते हैं, वो बेसिकली गोल्ड मिनी में काम कीजिए। नॉर्मली गोल्ड मिनी में 5 lot, 10 lot, 20 lot, 30 lot आप इजिली वहां तक जा सकते हो। अगर आप बड़े लॉट में काम करना चाहते हो तो ये बात ध्यान रखिएगा, गोल्ड का जो बड़ा लॉट होता है उसकी वैल्यू की बात करूं तो एक्चुअल में अगर आप 1 kg गोल्ड खरीदने चाहते हो तो 72 lakh रुपीस का वो प्रोडक्ट होता है। बट मेरे भाई अगर शेयर मार्केट में खरीदने चाहते हो तो केवल 7 lakh रुपीस में आप उसके मालिक बन जाते हो। और 7 lakh रुपीस में मालिक बनने का मतलब होगा कि जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट आएगा ना वो 72 lakh के हिसाब से आएगा। तो इस बात को भी ध्यान रखना कि 72 lakh के ऊपर अगर 1000 point की मूवमेंट डाउन होती है तो 1 lakh का माइनस दिखाई देगा और 1 lakh का प्लस भी दिखाई देगा अगर 1000 point की मूवमेंट प्लस साइड पर मूवमेंट काउंट होती है। सो आई विश यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी। अब अगर 1000 point गोल्ड के अंदर मूवमेंट आने पर आपको 1 lakh का प्रॉफिट बन सकता है तो एक बात बताइए, तो भाई मिनी के अंदर कितना बनेगा, मिनी में बनेगा 10,000 का। और अगर गोल्ड पीटल की बात करूं तो उसमें कितना बनेगा, आपको बनेगा बेसिकली उसमें 1000 का। अब डिपेंड करता है कि आपकी क्वांटिटी कितनी है। शेयर मार्केट में पूरा गेम किसी और चीज का है ही नहीं। शेयर मार्केट पता है क्या है, अगर आपको ट्रेड लेनी आती है, आपको पता है कि लॉजिक्स क्या है, आपको पता है उसके पीछे के कॉन्सेप्ट क्या है, मुझे कैसे प्रॉफिट गेन करना है, देन डेफिनेटली वहां पर केवल और केवल असली गेम आ जाता है क्वांटिटी का। अगर आप एक क्वांटिटी में ट्रेड लेकर प्रॉफिटेबल हो पा रहे हो तो आपको 2, 4, 6, 8 करने में देर नहीं लगेगी। आई विश यहां तक की बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकता है कि कैसे गोल्ड में क्या चीजें होती हैं। गोल्ड को लेकर कोई भी क्वेश्चन है तो आप गोल्ड मिनी में जाकर काम कर सकते हो। एंड लीगल वे में काम करना चाहते हो ना तो लीगल वे में लीगल जो होगा वही ब्रोकर यूज करना जो सेबी रजिस्टर्ड है, जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप जाके चेक कर सकते हो। बाकी अगर किसी को गोल्ड के बारे में, नेचुरल गैस के बारे में कुछ चीजें समझनी है, सीखनी है, देन नीचे मैंने एक फॉर्म दिया है, आप वहां पे जाके फॉर्म को फिल कर सकते हो। मेरी टीम की तरफ से आपको रिप्लाई किया जाएगा एंड उस कंडीशन में आपको जो भी चीजें पूछनी होगी आप इजिली पूछ सकते हो। सो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करता हूं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पहले से थी और मैंने कोई इन्फॉर्मेशन अभी मिस की है तो कमेंट करके बता भी सकते हो, ताकि आप गोल्ड में अगर काम करना चाहते हो तो गोल्ड के अंदर प्रॉफिट गेन किया जा सके। जहां तक की बात की जाए, अभी मैंने यहां पे गोल्ड में कुछ ट्रेड डाली हुई है, ठीक है, बट वो ट्रेड मैं आपको आई थिंक कल शो करूंगा जब ट्रेड्स को क्लोज किया जाएगा, क्योंकि अभी के रूल्स के अनुसार लाइक रनिंग ट्रेड्स दिखाया नहीं जा सकता। तो ये भी रूल्स हैं, रूल्स मैंने नहीं बनाए, सेबी की तरफ से हैं, तो इन रूल्स को फॉलो करते हुए कि ट्रेड क्लोज होने पर आप शो कर सकते हो, ठीक है, क्लोज करने पर शो कर दिया जाएगा, बिकॉज ये प्रॉब्लम हो सकती है। मान लीजिए मैंने ट्रेड डाली हुई है, दूसरा इंसान भी ट्रेड डाल दे और वो नुकसान करा ले विदाउट एनी लॉजिक, आई डोंट थिंक ऐसा होना चाहिए, मैं भी नहीं चाहूंगा। सो इसी कारण आपको जो ट्रेड है वो कल जब मार्केट में ट्रेड क्लोज की जाएगी तो आपको मैं शो करूंगा क्या प्रॉफिट रहा, क्या चीजें थी, क्या लॉजिक था। अभी के लिए इतना ही। अगर आप गोल्ड के बारे में काम करना चाहते हो, कोई भी कमोडिटी मार्केट के प्रोडक्ट में काम करना चाहते हो, नीचे फॉर्म फिल कर सकते हो, आपको डिटेल शेयर कर दी जाएंगी। आई विश यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। सो इसी के साथ में वीडियो क्लोज करता हूं।